छाती फोड़ रहे, मेरे मार रहे साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले मस्त प्लान है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जैसे कि आ चुके हैं कोई फ्रेश वीडियो के साथ, और तो गाइस आ चुके हैं आज सवर्णी की साइड, क्योंकि यार और कोई हॉट ड्रॉप अच्छा जा ही नहीं रहा था प्लेन पाथ, तो इस वजह से मैं आ जाता हूँ सवर्णी की साइड। और मेरे को लग रहा था जहाँ तक ज़्यादा बंदे आएंगे तो मेरे पीछे एक स्क्वाड भी होती है। उससे पहले मेरे को ये बताना कि इस वीडियो की शुरुआत कैसी लगी। उससे पहले ये वाला बंदा दिखता है जिसे कि मैं नॉक करके टोटली फिनिश मार देता हूँ। भाई पता नहीं इसका टीममेट क्या ही सोच के आ रहा था। और यहाँ से इसके टीममेट से उठा लेता हूँ मैं AKM। मेरे को जहाँ तक लग रहा था शायद इसके टीममेट और आएंगे रस मारने के लिए, बट यार फायरिंग तो करते हैं। मैं इससे पहले मैं कवर में आ जाता हूँ, और यहाँ पे अभी भी वो दो बंदे हैं, क्योंकि यहाँ पे यार मतलब स्क्वाड पूरी आई थी, मेरे को ये पक्का याद था। और तभी यार एक किल फीड में नाम आता है जो कि अभी AKM से किसी को बोट को मारा होता है, जो कि अपने होते हैं खीड़ी के देवता। अभी यहाँ पे मैं DBS उठाता हूँ और ऊपर दिखता है जस्ट मेरे को वो वाला बंदा, और जिसे कि मैं फुल डैमेज तो देता हूँ। और भाई मैं फिर से कवर में आ जाता हूँ, बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहता था कि यार इसका टीममेट आके मेरे को पीछे से बजा दे। और भाई जैसे वो आगे वाला जो बंदा होता है वो भी भाई डर के मारे कवर देता ही नहीं है अपने टीममेट को। और यहाँ पे मैं भाई बहुत मतलब बुरी तरीके से गिर चुका था, और जस्ट मेरे आगे वाले खिड़की मतलब आगे वाला जो आपको थ्री स्टोरी शॉप दिख रहा है वहाँ पे भी बंदे हैं, आपको दिख गए होंगे। और एक मेरे जस्ट आगे वाले भी बिल्डिंग में बंदे हैं, तो आप यार यहाँ पे बचना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बट उससे पहले मैं बहुत सारे स्मोक कर देता हूँ, बहुत सारा क्या यार दो स्मोक करता हूँ, क्योंकि यार नेड भी आ रहा था तो मेरे को पीछे की साइड जाना था। और आपने यार फायरिंग से तो सुन ही लिया, और यहाँ ये वाले बंदे इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के रस मार देते, तो देखो एक एक करके कैसे निपटाते हैं। और ये आपको अगर तो आपको ये वाला क्लच अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करोगे, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जस्ट देखो वो तो गाइस यहाँ पे कर दिया तुम्हारे भाई ने 1v3 क्लच। और तो यार अगर तो मैंने शर्त के हिसाब से बताया था, अगर तो यार मैं स्क्वाड यहाँ पे क्लच कर देता हूँ तो आप मेक श्योर वीडियो को लाइक करोगे, तो आई थिंक आपको ये वाला क्लच अच्छा लगा होगा। तभी दिखते एक केड़ी की देवता जिन्हें कि यार एक हेडशॉट के साथ सीधा फिनिश मार देते हैं। और अब बारी थी यार से निकलने की, क्योंकि यार एक ही स्क्वाड होती है और मैं थोड़ा सवर्णी भी देखता हूँ, तो ज़्यादा बंदे तो थे नहीं, बस वही स्क्वाड थी और कुछ बंदे भी आए थे एक्स्ट्रा में जिन्हें कि मार के चलते बनते। और आते हैं यार पोचंकी के साइड, क्योंकि यहाँ से भी प्लेन पास जा रहा था। मेरे को यार लगा कि जहाँ तक बंदे नहीं आएंगे, जैसे ही यहाँ पे आया तो यार जैसे ही मैंने सुना फायरिंग तो भाई मेरी फटके चार हो गई। उससे पहले भाई यहाँ पे मैं TPP लेने लगता हूँ, देखता हूँ बंदे किधर हैं। तो यार मेरे को एक दिखता भी है जो कि एकदम टॉप पे होता है। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ यार क्यों ना इसे नेट से उड़ाया जाए, और यहाँ पे मैं एक नेट ट्राई करता भी हूँ, और देखो यार वहाँ तक नेट जाता भी है या नहीं। भाई पूरा ऊपर कैमरा तो करके मैंने फेंक दिया, बट यार उससे पहले फट जाता तो यार तुरंत वो गलती करता है। और देखो, और भाई जैसे इस वाले बंदे ने गलती की और देखा यार क्या ही कर दिया उसके साथ, सीधा नोक डाला। और मेरे को जहाँ तक लग रहा था यार पूरी स्क्वाड होगी। और ये वाला नेट देखो, जस्ट आप वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और यहाँ पे मैंने कर दिए थे दो नॉकडाउन, और जहाँ तक लग रहा था यार कि अभी भी उसमें बंदे हैं, क्योंकि उसका लास्ट का बंदा हो भी सकता है, तो इस वजह से मैं कोर वहीं पे नेट कर देता हूँ। और अब बारी थी यार सीधा रस मारने की, और देखो यार, और ये तो सिर्फ दो ही बंदे थे। आई डोंट नो कि भाई वो वाला बंदा कौन नॉक हुआ। और यहाँ पे यार जैसे मतलब रिवाइविंग देख रहे हो कितनी तगड़ी स्पीड है यार, मतलब एक को नॉक किया तब तक मैं पेड़ तक आया तब तक तो रिवाइव भी कर दिया भाई, इतनी तगड़ी स्पीड रिवाइविंग की। और इससे पहले जैसे ही नेट से नॉक किया यार फिर से रिवाइव हो गया उसका, मतलब बहुत तेज रिवाइव दे देते, लग रहा है जैसे ही नॉक तुरंत रिवाइव पे ऐसा कुछ चल रहा था। अब आते हैं यार एक फ्लेयर ड्रॉप पे, क्योंकि यहाँ पे आगे वाले बंदों ने एक फ्लेयर ड्रॉप मंगाया होता है जिसमें से कि एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब बारी थी यार पूरी स्क्वाड की, तो देखो यार कैसे मारते हैं।
ये क्या हुआ, मतलब ये क्या ही हो गया भाई। मतलब सबसे पहले मैंने फायरिंग की, और भाई हरी मतलब ये जो येलो कलर की बत्तियां भी हैं वो मैंने भाई जलाई थी सबसे पहले। मतलब ये कैसे हो सकता है, अब देख लो यार स्लो मोशन में, सबसे पहले मैं मार रहा हूँ, माना यार हेडशॉट मारा, बट ऐसा भी नहीं कि यार उन पे तो पहले लेवल की हेलमेट थी, वैसे भी वो ऑलरेडी प्रोन था, तो प्रोन में तो यार सीधा हेड ही पड़ता है यार। मैं पहले जो फायरिंग करता तो वही तो जीतता है भाई, मगर पबजी यार क्या ही बताऊँ, मतलब अलग ही इसके चल रहे हैं, और इसके वजह से यार मेरे गेम प्ले में मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, और आज मेरा कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था। बट यार अब मैं आता हूँ एक नेक्स्ट गेम में, और एक ज़रूरत है यार चिकन की, तो यार इस वाले गेम में मैं पक्का पूरा करने की कोशिश करूँगा, ताकि इस वाले गेम प्ले में मैं चिकन निकाल पाऊँ। फिलहाल मैं अभी आता हूँ एक मिलिट्री बेस के साइड, एक क्या मतलब मिलिट्री बेस के साइड आता हूँ, और यहाँ पे यार थोड़ी बहुत लूट वूट करता हूँ, और कुछ बंदे होते हैं, और दोनों यार मेरे को मिल जाती है M4 M4, और ऊपर दिखते हैं कुछ बंदे, आई मीन कीड़ी के देवता। और तभी जैसे यार फिनिश मारता हूँ, तो यार तभी एक और कीड़ी की देवता भागे भागे आते हो भाई। मेरे को जहाँ तक लग रहा था यार बंदा है, क्योंकि ये कवर में ही दुपक्का मतलब क्या बोलते हैं पेड़ के कवर में दुपका हुआ था, और अब मैं जाता हूँ यार क्लोज में, मेरे को लग रहा था जहाँ तक बंदा है, तो इस वजह से मैं बार बार स्कोप ऑन करके देख रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यार बंदे कोई मतलब पीक करके या फिर एकदम जस्ट बाहर निकल के मतलब नहीं मारते हैं, जो कि कवर में ही रहते हैं, ऐसा कुछ होता है बंदों के साथ, तो ऐसा ही लग रहा था मेरे को, बट ऐसा कुछ होता नहीं है जहाँ तक मेरे को लग रहा है कीड़ी के देवता था, बट ये वाला बंदा मेरे को लग रहा था कीड़ी के ही देवता थे। और यहाँ पे मैं एक भाई मतलब क्या ही बताया इस बंदे को, मेरे पे एमओ कम थी तो ये इसका फ़ायदा उठा रहा था ये वाला बंदा, बिकॉज ऑफ इस पे BRDM थी, और भाई मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि यार BRDM पे एमओ बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, आप देख सकते हो मेरे पे कितनी कम एमओ है, 76 से यार इतनी स्क्वाड वाइव करूँगा तो जहर सी बात है यार एमओ ख़त्म ही हो जाएंगी। और यहाँ पे यार BRDM वाला पूरा फुल टू फुल फ़ायदा उठा रहा था, और हमारे यार आस पास ही घूमे जा रहा था घूमे जा रहा था, तब यार पीछे के साइड से फायरिंग आती है कुछ, और यहाँ पे यार मैं अपने टीममेट को दे देता हूँ बैरल, और यहाँ पे थोड़ी बहुत एमओ उठा लेता हूँ, मतलब बैरल के एमओ दे देता हूँ, और एक ऊपर होता है बंदा जो कि प्रोन हुआ होता है, उसे उसे मैं सोचता हूँ यार पहले ट्रोल करने की, फिर मैंने कहा कि सीधा ख़त्म मारो, और ये वाला यार मेरा किल चुरा जा मतलब चोरी हो जाता है भाई, मतलब बहुत गुस्सा आता है। अब मैं जा रहा था यार फिनिश के लिए, उससे पहले BRDM वाला जो होता है उस पर होती है AKM भाई, वो तुरंत मेरा किल चुरा लेता है एकदम BRDM से उतर के, और यार पीछे से DP वाला भी मारता है मेरे को, तो यार दो तरफ से डैमेज पड़ रहा था, और तब यार मेरे टीममेट पे BRDM चढ़ा देता है वो बंदा गुस्से में आके, और देखो यार उस वाले बंदे को कैसे भरते हैं, वो मेरे टीममेट को फिनिश के लिए आता है, और मेरे को इतना पता था ज़रूर से उतरेगा, क्योंकि यार फिनिश मारना तो उतरना तो पड़ेगा BRDM से, तो इस चीज़ का मैं वेट करता हूँ, और फ़ायदा देखो क्या होता है यार, इसकी क्रेट से फ़ायदा होता है, और इसकी इजी पीजी मतलब क्रेट बना देता हूँ, और एक बात की तो अच्छी हुई, चलो यार BRDM वाले को तो मार ही दिया, और BRDM हो जाती है अब हमारी, क्योंकि अब BRDM वाले को मार दिया है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट वूट करता हूँ, उसकी क्रेट में यार काफ़ी माल पूरा मतलब भरा पड़ा था, और बहुत ज़्यादा लूट थी उस पर। अब यार मेरे को ढूंढना था DP वाला, क्योंकि बिकॉज ऑफ यार उसने मेरे पीछे से फायरिंग की थी, और तब यार मेरे को दिखता भी है यहाँ पे BRDM मतलब DP वाला जो मेरे को पीछे से मार रहा था। अब यहाँ पे मैं करता हूँ यार बहुत सारी नेड, क्योंकि मेरे को लग रहा था जहाँ तक नेड के चपेटे में ही आके मर जाएगा ये। अब यहाँ पे मैं करता हूँ नेड ही नेड, दबा के नेड करूँगा, और भाई जब मेरे को लगता है कि यार नेड ख़त्म ही मतलब वेस्ट ही करा रहा है सिर्फ, और जस्ट मेरे एक वही होता है आगे, जो आगे वाला वॉल दिख रहा हूँ वहीं पे होता है, मोली तो करता हूँ बट यार पता नहीं कैसे नहीं उसे मोली नहीं लगती, और यहाँ पे देखो एट देन यार इसे चपेटे में ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था मैं पहली प्री फायर करते हुए घुसूंगा तो जाहिर सी बात है मैं ही जीतूंगा। फिलहाल मैं आ जाता हूँ यार पोचंग की चेकआउट करने के लिए, और LI पे देखो कि यार सिर्फ और सिर्फ 14 बंदे अलाइव है, इस चीज़ से तो यार आपको पता ही पड़ गया होगा कि लोबी में मतलब क्या ही खतरनाक बंदे थे, और अभी भी यार फायरिंग करे जा रहे, तो इसके वजह से यार लोबी की मतलब पूरी मतलब ऐसी की तैसी मार चुके थे यही दो बंदे। अब यार इन दोनों को यार मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो देखो यार इन दोनों को कैसे पहले भरते हैं,
और ये काफी ज्यादा खतरनाक खेल लेते हैं ये वाले बंदे, क्योंकि आप देख सकते हो इनके भी लगभग लगभग 12-15 किल होंगे इन दोनों के। तो अब इन दोनों से यार फाइट होने वाली है, और तभी यार एक केड़ी के देवता आते हैं जो कि उन पे, और उन पे देख सकते हो अभी अभी MK से मारा गया है। तो यार अब तुम सोच सकते हो यार उन पे अच्छी अच्छी वेपने हैं और यार उनसे फाइट लेना है। तो यार देखो यार उनसे कैसे फाइट लेते हैं। और जैसे यार उसने MK चलाए तो यार मैंने उसे कार 98 का शॉट दे दिया, और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने स्नाइपर से एक नोक कर देता हूँ। और अब बारी थी यार सीधा रस मारने की, तो देखो यार क्या पता मैं उन्हें मार पाता भी हूँ या नहीं, या फिर मेरी खुद की पेटी बन जाएगी। तो देखो जस्ट आप, और तो गाइस यार एट द एंड इस वाले बंदे को मार ही देता हूँ यार। इस पे होती है M249, यानी एक ही बार में सभी को ले जाता, कहने मतलब बगी के तो पर खच्चे उड़ा देता एक ही बार में ये चाहता तो। बट यार ये MK वाले का समझ नहीं आया यार, MK लेके मतलब कैसे पिल गया। तो यार ऑलमोस्ट देखोगे यार दोनों पे, एक पे M249 है और दूसरे पे MK, तो यार सोच सकते हो यार दोनों ने पूरी लोबी में तबाही मचा रखी थी। अब फिलहाल मैं आता हूँ यार एक एयर ड्रॉप पे, और आप LI पे यार गौर करोगे तो और सिर्फ सिर्फ 7 ही बंदे LI पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वेट करता हूँ। मेरे को लगा कि जहाँ तक बंदे आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वही दो कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा चुके थे और लोबी की भी ऐसी की तैसी मार चुके थे। तो जो अब बचे हुए थे जो वो नॉर्मल टाइप की थे, अब यार अब जितने भी बंदे बचे हुए हैं अब उन्हें ढूंढना था, क्योंकि बहुत बड़ा जोन था। और मतलब ढूंढते ढूंढते पूरा थकने के बाद एट द एंड मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मेरे को कुछ फुट साउंड आते हैं जो कि फायरिंग भी देते हैं। अब यार यहाँ पे रुक जाता हूँ, और देखो यार मेरे को स्पॉट करना था पहले तो किधर कौन से घर से है, फिर जब मैं जैसे क्लोज आता हूँ तो मेरे को पता पड़ता है कि आगे वाले घर में, जो कि यार मैं नेड भी कर देता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा एग्जैक्ट वहीं पर करता हूँ और बंदा भी वहीं पर होता है, यार नॉक क्यों नहीं होता आई डोंट नो, बट यार मैंने अच्छा ट्राई किया था। और यहाँ पे यार मैं एक मोली भी कर देता हूँ, अगर बीचों बीच है तो यार ज़रूर से पिछवाड़े में आग लगी जाएगी। और तभी यार कुछ बंदे नीचे उतरते हैं, कुछ क्या एक बंदा नीचे उतरता है, और देखो मेरे को ये बिल्कुल नहीं पता था कि यार ये वॉल के पीछे से मारेगा, और उसका दूसरा टीममेट यार वो आता है मेरे टीममेट को मारने की भाई टीममेट को मारने की सोच रहा था। उससे पहले यार मैं अपने टीममेट को बचा लेता हूँ, न तो भाई मेरे टीममेट को ही नॉक कर देता। फिर उसके बाद तो यार मेरे पे HP वैसे ऑलरेडी कम थी, तो यार यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी वापस लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। मेरे को जहाँ तक लग रहा था बंदा होगा, और ऐसा होता भी है, आपको दिख गया होगा यार घर में कि वो कहाँ पे है। यहाँ पे मैं करता हूँ एक नेड कुक, और भाई मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं था कि उसका टीममेट इतना खतरनाक होगा। भाई जैसे उसे अपने टीममेट को कॉल दिया और भाई भागा भागा आया, मतलब क्या ही मतलब टीममेट का कॉलिंग था भाई, मतलब सही एक तरीके से यार टीम कोऑर्डिनेशन इनका सही था, क्योंकि एकदम से जैसे टीममेट को कॉल आया कि भाई जल्दी आ, दो बंदों ने रश किया है तुरंत ही यार मतलब बंदे आ गए। बट यार मेरे को अब यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे होते हैं यार पूरे के पूरे दो बंदे, और हम भी दो थे, तो यार यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन था, इजी चिकन था। बट यार देखो यार कि क्या मतलब मैं चिकन निकाल भी पाता हूँ कि नहीं। और यहाँ पे यार मतलब जाते के साथ टीममेट का भाई क्या ही बता, क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने निकाल दिया यार इजी विनर विनर चिकन डिनर। और यार मेरे टीममेट के नोक के बावजूद भी मैं यहाँ पे यार अच्छा क्लच मार देता हूँ। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और ये वाला आपको क्लच पसंद आया तो यार मेक श्योर आप वीडियो को लाइक भी करोगे, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे। और बस यार तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।